गाइस ये सेलिब्रिटीज ने यहाँ पे विजिट किया हुआ है, ये विंटर स्ट्रीट। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबको सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो गाइस आप सब लोगों को, सारी फैमिली को, सारे सब्सक्राइबर्स को हमारे एंड से, हमारी फैमिली के एंड से गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन स्टार्ट थोड़ा लेट हुआ है, बट जो होने वाला है बहुत एक्साइटेड होने वाला है शालू, क्योंकि हम जा रहे हैं शालू की एक्सप्लोर जगह, जो शालू ने यहाँ पे मुझे बताई थी। और वहाँ जाके लिटरली मज़ा आ गया था, ऐसे फील हो रहा था कि यार बैक टू बैक इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतने सारे ईटिंग हॉन्ट्स हैं, मज़ा आ जाएगा। तो आज हम जा रहे हैं वंस अगेन, जो हम गए थे 3-4 महीने, मतलब 2 महीने पहले आई गेस, विंटर स्ट्रीट मार्केट। तो चलते हैं सीधा, रेडी हम हो चुके हैं। एंड गाइस हमारा काम भी चल रहा है, अपलोडिंग चल रही है, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद अपना व्लॉग भी हम पब्लिश कर देंगे, उसको भी प्यार देना आप। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं। आदि ने आपको बता ही दिया होगा ऑलरेडी, और अडोरा नहीं जा रही है, मम्मी उसका ध्यान रखेंगी। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से आ जाएं, और मम्मी के लिए भी कुछ ले आएंगे, वो भी कह रही थी जा रहे हो तो मुझे भी कुछ खिला दो अच्छा सा, तो उनके लिए भी रास्ते से कुछ ले लेंगे। अब आपको डायरेक्ट वहीं लेके चलते हैं। जल्दी जल्दी में अपने लेसी से भी बंद करें, और कह रही कि मैं बांध दूं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। तो गाइस हम आ चुके हैं विंस्टर स्ट्रीट मार्केट इंदिरापुरम। न्यू ईयर का टाइम है तो डेकोरेटेड है यार मार्केट, और लाइट्स तो आप देख ही सकते हैं। तो देखते हैं गाइस अब यहाँ क्या एक्सप्लोर करते हैं, और बाकी जो शालू बोलेगी वही खाएंगे। गाइस जो लास्ट टाइम मैं आया था तो कुछ स्टॉल्स डिफरेंट लग गए हैं, और जैसे ये पंचायत है, ये लास्ट टाइम नहीं था गाइस। ये देखिए ये शोरमा जो आप कह रहे थे शालू, शोरमा। गाइज यू नो वॉट, यहाँ पे आते भूख लग रही है यार, क्योंकि ना जहाँ भी जाओ अलग अलग वैरायटियाँ, अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं। तो बस यहाँ आके कन्फ्यूज में इसलिए हो जाता हूँ कि खाना क्या है यार, वेज खाना है नॉन वेज खाना है। तो अभी शालू मेरे को हेल्प करेगी यार। नहीं चलो एक्सप्लोर करो, कहाँ चलेंगे? जहाँ आपको पसंद आएगा वहीं चलेंगे। चलो करीम, नहीं आज वेज खाएंगे ना कुछ, आज वेज खाना है। बिल्कुल सारा मैक्सिमम नॉन वेज लग रहा है भाई। नहीं नहीं वेज भी होगा। आई नो सर, एक बार आज क्राउड भी कम है पता है। आई डोंट नो कि 31st नियर बाय है और ये क्राउड कम क्यों है, आज तो ज्यादा होना चाहिए। कल होगा भाई, कह तो रहा था लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर हम यहीं आए थे नमस्ते पंजाब। हाँ इस पे आए थे, इसी पे आए थे ना। हाँ तो आज कुछ डिफरेंट देखते हैं। एंड इसके जस्ट सामने हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है खड़क सिंह। उसका जो फूड होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एंड मेनली हम वहीं से हर बार ऑर्डर करते हैं। थीम अच्छी है ना, सिटिंग थीम है सारी। ये लास्ट टाइम आपने जब इग्नोर कर दिया था कि ये खाना है, क्या लास्ट टाइम इग्नोर किया था ना, ये क्या है, क्या भैया? काठी कबाब है सर। काठी कबाब, ये तो वेज है। देख लो मेन्यू, तो वेज आप ये खा सकते हैं काठी कबाब। तो यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं काठी कबाब, और फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे थे, और आधी यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। स्पाइसी, इसके साथ रुमाली है, रुमाली रोटी है सर, बटर में दो। तो ये लगवा लेंगे आप, ये लगवा के दो, मतलब स्पाइसी तो है ही। चलो नींबू डाल देंगे, नींबू होगा आपके पास यार, ठीक है। सिटिंग है भैया? अच्छा वो सिटिंग है, ओके ओके। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम मसाला पॉलिटिक्स से, काठी रोल उसके साथ रुमाली, ये खाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं आगे और क्या खाते हैं। एंड यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज्यादा कूल है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ओपन कैफेज मिल जाएंगे। सो हमने क्या ऑर्डर किया है? काठी कबाब विद रुमाली, 150 रुपीज में, अच्छा ठीक है। शालू के तो मुँह में पानी पानी आ चुका है शालू, बिल्कुल। ग्रेवी मुझे बहुत अच्छी लगी यार, सीरियसली। तो गाइस ये क्वांटिटी है 150 रुपीस में। थैंक यू भैया। सर पानी कोल्ड कुछ अभी नहीं, जो होगा मैं बता दूंगा आपको। गाइस काठी रोल तो हो गया, मज़ा आ गया, और मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि जो मसाला पॉलिटिक्स है यहाँ पे ज़रूर आके एक बार ट्राई करो, मतलब स्पाइसी भी है तो मुझे तो अच्छा लगा यार, शालू को भी अच्छा लगा, और मैं तो आशु को भी रेकमेंड करूंगा, और एक बार घर भी लेके जाएंगे डेफिनेटली। तरपन पंजाब से कुछ भी नहीं, तो आगे चलो फिर। तो गाइस यहाँ का शोरमा ट्राई करते हैं, कह रहे हैं बहुत पॉपुलर है क्योंकि टुंडे कबाब के बिल्कुल सामने हैं, तो यहाँ से ट्राई करते हैं। भैया शोरमा लगा दो यार, बढ़िया बिल्कुल, ठीक है पीछे बैठे हैं दो, ठीक है बढ़िया बिल्कुल भैया।
गाइज ये सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे विजिट किया हुआ है, काश कभी एक दिन हमारी भी फोटो लगेगी यहाँ पे। सो अभी हमने ऑर्डर किया है शोरमा, वो ट्राई करते हैं। वैसे हमने एक बार और ट्राई किया था, बहुत टेस्टी होता है। इस बार हमने जो रेस्टोरेंट है वो दूसरा चूज किया है, टुंडे कबाब के बिल्कुल सामने, कबाबी पे अभी हम लोग हैं। अब ट्राई करते हैं यहाँ के शोरमा कैसे हैं। हाँ बताओ कैसा लग रहा है टेस्ट में, गरम है? गरम नहीं खाना चाहिए था अच्छा। आपको मैं भी ट्राई करती हूँ, जैसे वो बना रहे थे ना वैसे लग रहा था कि अच्छा बनाएंगे। सो मैं ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसा है टेस्ट में। टेस्टी है, जो हमने पहले ट्राई किया था वो भी बहुत अच्छा था, एंड ये तो बहुत टेस्टी है। अब मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो मैं आदि को कह रही हूँ मैंने अभी गुलाब जामुन देखे हैं वो खाने चलते हैं, या पैक करा लेते हैं, मम्मी भी खा लेंगी। थोड़ा सा स्पून में टेस्ट करा दोगे? अच्छा लग रहा है ना, वाओ। बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा कुछ स्पाइसी के साथ, मीठा तो बनता ही है। और ये शॉप देख लीजिए भैया, स्पेशल कुल्फी 30 रुपीज़ की, कैसा लगा? इसका क्या प्राइस है? 50 रुपये का 100 ग्राम। एक तो ये कर दो आप। गाइस वैसे बेस्ट पार्ट इस मार्केट की क्या है, अगर अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में सारी शॉप्स मिल जाएगी आपको, चाहे वेज हो, स्नैक्स हो, मेन कोर्स हो, हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। एंड यार यहाँ की बेस्ट चीज़ मुझे लगी, यहाँ के जो प्राइजेस थे बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे और आपका पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ से हमने गुलाब जामुन और गाजर का हलवा लिया। मन बड़ा? ये मधुमन बड़ा, आई डोंट नो क्या होता है, पूछे क्या है? पूछ लो। बड़ा है क्या? कुछ तो है भैया, मीठी मीठा डिश है दादा, कुछ ऐसा एक ही डिश रखते हैं, एक ही हमारे पास आई है। अच्छा एक ही आती है, तो करवाइए टेस्ट करवाइए, ये खा के देखते हैं नई चीज। हमारे लिए एक यूनिक डिश थी, तो वी थॉट कि इसको भी ट्राई करते हैं। और ये मूंग दाल का बना होता है जिसमें, एंड इसका जो प्राइस था वो 90 रुपीज था। ये है गाइस, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, और ये हैवी बहुत लग रहा है, खत्म हो जाएगा हमसे खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मिल्की, क्रीमी और सॉफ्ट था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड देन आदि को भी मैंने ट्राई कराया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा ये। तो अभी हम रुके हुए हैं करीम्स पर, तो अब क्या ऑर्डर कर रहे हो? यार मैं वही मेन्यू चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, इनसे पूछो ना क्या बेस्ट है यहाँ का, तो बेस्ट क्या होगा यार डिनर में, क्या बेस्ट? तो हमारा तो पेट फुल हो गया था, तो लास्ट में हमने मम्मी के लिए सोचा कि उनके लिए भी कुछ अच्छा सा लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आए थे हम, एंड हमने यहाँ का जो बेस्ट है भैया से पूछा कि आप ही बता दो, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमने यहीं से ऑर्डर करा। फिर मेरा तो पूरा फुल हो चुका है, चलो आपका? हाँ नहीं मेरा हो गया। आपका हो चुका है ना, तो अगर कुछ और रहता होगा तो आते जाते कुछ वो भी ट्राई कर लेंगे, और फिर यहाँ से सीधा घर निकलेंगे क्योंकि रात भी हो रही है और रात की सर्दी भी बढ़ रही है यार बहुत ज्यादा, तो भी चलते हैं, खाना तो पैक हो जाए। ओके मतलब मजा आ गया ना? अच्छा मुझे तो बहुत मजा आया भैया, यहाँ मुझे लिटरली बहुत मजा आता है, मतलब लेस क्राउडेड है यार, आप CP चले जाओ या किसी और लोकेशन पर जाओ बहुत ज्यादा क्राउड मिलता है, यहाँ पे क्राउड बहुत कम है। यहाँ की बेस्ट चीज यही है कि यहाँ पे लेस क्राउडेड है, एंड ओपन कैफेज आपको मिल जाएंगे लाइन से, एंड सारी वैरायटी के फूड है, एंड विद म्यूजिक, तो और क्या चाहिए आपको। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो जल्दी से प्लान करो, नहीं जाना ये अपना काम नहीं है, ये काम नहीं है, आई एम अ मिल्की बॉय, तो ये काम नहीं, आ जाओ। अब ये कंप्लीट वन सॉल्यूशन है, किसको कुछ भी खाना यार, अनलिमिटेड, कैसे भी क्यूजीन हो, पंजाबी हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, इटालियन हो, चाइनीज हो, सब कुछ आपको मिलेगा, एक मार्केट सारा सॉल्यूशन। तो गाइस अब निकल रहे हैं यार फटाफट, क्योंकि मम्मी का भी कॉल आ चुका है और उन्होंने डिनर नहीं किया, हम तो करके जा रहे हैं और वो हमारे साथ ही करेंगे ये कह रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं। ये भी सामने जो आप देख रहे हो ये फूड लेन ही है। दूर से उसने स्मेल कर लिया, आ मेरा बच्चा, हाय बेबी, आ लोया, आप पहचान गए? गोदी में तो ले लो उसको। पक्का वेट कर रही थी, मेरे को नहीं लग रहा वेट करी, मेरे को लगता है पैंथर रुका है ना, स्कूटी रुकी है। इसने स्मेल कर लिया होगा। ओए छोटू चले अंदर, देखो हम आपके लिए चिज्जी लाए हैं। चिज्जी लेकर आए हैं, खाओगे? हाँ, चलो चलो अंदर चलते हैं अंदर। तो गाइस अब ये कंप्लेंट कर रही है कि आप दोनों तो घूम आए हो, अब मेरे साथ खेलो, मतलब ये कह रहे कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ और मेरे साथ खेलो, तो ये इस मैडम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, दुखी मत हो,
तो गाइस क्या है, अब शालू गई है रोटी बनाने। मैंने उसको बोला था कि वहीं से कुछ ले लेते हैं, जाने के बाद मन बिल्कुल भी नहीं करेगा बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है और तुम्हारा मन करेगा फटाफट मैं जाऊं रजाई के अंदर। तो इसलिए अब वो रोटी बनाने गई है। तो अभी मम्मी मैं शालू खाना खाएंगे और खाने में सही बताऊं आपको, सर्दियों का स्पेशल मतलब पंजाबियों का स्पेशल सरसों का साग बना हुआ यार, मैं तो वो खाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फटाफट बनती है और फिर डिनर करते हैं यार, मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी शालू ने मुझे बताया कि ये मूली के पत्तों का साग है यार, ये चीज मैं फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अच्छा लगेगा, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन वेजिटेबल। तो गाइस खाना लग चुका है, बस अब खाना खाते हैं और इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं होप करता हूँ कि जैसे आपने पहले विंटर स्ट्रीट मार्केट जो हमारा व्लॉग था उसको प्यार दिया था, इसको भी आप बहुत ज्यादा प्यार देंगे और आप देखेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शबा खैर, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। डू लव एंड स्प्रेड लव। अब मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए शेयर और लाइक तो प्लीज करते रहना गाइस। Bye-bye.